देखिए, इस विषय पर सभी राज्यों की अपने अपनी बातें हैं। अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक भी हुई थी, माननीय मंत्री, विभागीय मंत्री ने उसको अटेंड भी किया है, और कुल मिला करके लबोलवाब ये है कि राज्य तो छोड़िए, देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, और इसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार विफल हो चुकी है, और स्थिति ये आ गई है कि शायद आने वाला समय में देश को और भी बुरे वक्त से देखने गुजरना पड़ेगा। और आप तो देख रहे हैं, सब भगवान के ऊपर मर देने की बातें आ रही हैं, और जिस तरीके से इन लोगों ने जीएसटी के संदर्भ में राज्य सरकारों को फिर से उलझाने का प्रयास किया है, इनके इन चालों को भी हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और इस विषय पर मैं पूर्ण रूप से बातों को रखूंगा। थोड़ा सा इस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अभी हम मोटा मोटी देख रहे हैं, हमारे राज्य के संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी हो रही है। आज इस राज्य से लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का शेष इस राज्य से, सिर्फ इसी राज्य से जो ये अपने जेब में भरते हैं, और ये जिस तरीके से जो हमारा प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसको जो जिस तरीके से मार झेलना पड़ रहा है, मतलब हमारी स्थिति खुद खराब और यहाँ के संसाधनों पर उनका राज, ऐसा नहीं चलेगा। अभी हम लोग इस पर काफ़ी गंभीरता से चीज़ों को ले रहे हैं, और जो भी अधिकार है राज्य सरकार का वो हम लोग हर हाल में लड़ के लेंगे, जिसके लिए सारे प्लेटफॉर्म पर बातें रखी जाएंगी। बहुत सारे अभी तो बहुत इन लोगों ने इलीगल माइनिंग भी हुई है, बिना एसी का इन लोगों ने माइनिंग भी कर रखा है, उससे हजारों करोड़ रुपया इनसे इनके ये में निकलता है, तो बहुत सारी बातें अभी हम लोग इस पर पूरी तरीके से उस पर जांच पड़ताल चल रही है, और हमारी जो मांग होगी वो केंद्र सरकार को जाएगा, और निश्चित रूप से आज जो संक्रमण की स्थिति है, जो राज्यों की स्थिति है, राज्य अपना संसाधन जुटाने का हर प्रयास कर काम करेगा।